देखो गाइज, अब नेक्स्ट पार्ट हायर परचेज का, ठीक है। आज हमें क्या करना है, हायर परचेज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हायर परचेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था हायर परचेज क्या होता है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से। अभी हम करते हैं हायर परचेज के प्रैक्टिस। हायर परचेज में देखो, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो जी, रीड आउट करो। ऑन 1 जनवरी 2016 अ टेलीविजन डीलर, कोई एक टेलीविजन डीलर है, इन्होंने क्या करा, बॉट 5 टेलीविजन सेट्स फ्रॉम डॉल्फिया टेलीविजन कंपनी। मिस्टर एक्स ने डॉल्फिया से 5 टेलीविजन खरीदे, ठीक है, हायर परचेज बेसिस पे, हायर परचेज पे, ठीक है। द कैश प्राइज ऑफ ईच सेट वाज ₹20,000। द कैश प्राइज ऑफ ईच सेट वाज ₹20,000। इट वॉज एग्रीड दैट ₹25,000 शुड बी पेड इमीडिएट। हमने ₹20,000 का एक टीवी खरीदा, टोटल कितने टीवी खरीदे हमने, 5, तो ₹1,00,000 हो गए। ₹1,00,000 में से ₹25,000 शुड बी पेड इमीडिएट। ₹25,000 क्या करे आपने, इमीडिएट डाउन पेमेंट कर दी। कितना रह गया, 75,000। 75,000 के लिए हमने उसको प्रॉमिस कर दिया, क्या प्रॉमिस किया होगा, एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे ₹30,000 की। 30,000 30,000 30,000, टोटल कितनी पेमेंट हुई, 90,000 की। बट बैलेंस कितना रहता था, 75। एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, ₹15,000। जो 15,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो इंटरेस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आगे पढ़ते हैं। द टेलीविजन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कंपनी ने आपको क्या बता दिया, इंटरेस्ट भी बता दिया, कितने परसेंट है, 10% पर एनम। द बायर डेप्रिशिएट टेलीविजन सेट, द बायर डेप्रिशिएट करता है टेलीविजन सेट्स एट 20% पर एनम, 20% पे। जो बायर है, जो परचेजर है, वो कितने परसेंट लगाएगा डेप्रिशिएशन, 20%। एक तो ये बात मार्क कर लो, ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाएगा, ठीक है। एक्स पेड कैश डाउन एंड 2 इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या करा, मिस्टर एक्स ने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, डाउन पेमेंट दे दी, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। कंसिक्वेंट द टेलीविजन कंपनी रिपोज, रिपोज करने का मतलब होता है वापस ले लेना, छीन लिया गया आपसे। द टेलीविजन कंपनी रिपोज 3 सेट्स लीविंग 2 सेट्स विद द बायर, ठीक है, 2 सेट्स छोड़ दिए, 3 सेट्स कंपनी ने वापस ले लिए। जब वापस लेगी कंपनी तो उसकी भी वैल्यूएशन करेगी, कितने रुपए में वैल्यूएशन करती है देखते हैं। 3 सेट्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू था, ठीक है। द सेट्स रिपोज वर वैल्यू ऑन द बेसिस, द सेट्स रिपोज वर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम, 30% का डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम। आगे देखो, WDV से लगेगा, द सेट्स रिपोज वर सोल्ड बाय टेलीविजन कंपनी, जो सेट्स है वो क्या हो रहा है, रिपोज हो रहा है, रिपोज वाला सेट्स सोल्ड बाय टेलीविजन कंपनी ₹4,30,000। जो कंपनी ने सेट्स रिपोज करे, 3 टीवी रिपोज करे, उसको कितने में बेच दिया दोबारा, ₹30,000 में बेच दिया, ठीक है। ₹5,000 की रिपेयर कराने के बाद, आगे लिखा है ना, आफ्टर नेसेसरी रिपेयर अमाउंट टू ₹5,000, ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। आपको डाल्फिया की बुक्स में भी अकाउंट बनाने हैं और मिस्टर एक्स की बुक में भी अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट वगैरह का, ठीक है। देखो आप, देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो कैश प्राइस बताओ कितना था। वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं। कैश प्राइस कितना था टीवी का, 20,000 का एक टीवी था, तो 5 टीवी कितने के हो गए, ₹1,00,000 के। डाउन पेमेंट कर दी हमने कुछ इसमें से, सेम डे पे हमने क्या कर दी, डाउन पेमेंट कर दी, कितने की, 25,000 की। बैलेंस कितना रह जाएगा, जो आपका बैलेंस रह जाएगा वो है 75,000, राइट। अब जब ईयर फर्स्ट एंड होगा, ईयर वन, इंटरेस्ट लगेगा इस पे 10%। मेरे ऊपर उधार कितना है, ₹75,000 का उधार है, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा कितना, 10% लगाओ इंटरेस्ट, ₹7,500 कितना हो गया, 82,500। फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की, क्वेश्चन में गिवन है 30,000 की, ठीक है। कितना रह गया, 52,500 बैलेंस रह गया। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगाओ, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%, 52,500, टोटल करो 57,750, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, हमने पे कर दी, कितने की पे करेंगे, 30,000 की,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो गई, कितना बचा बैलेंस? जो बैलेंस बचेगा लेस करो 27,750, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लगाओ, थर्ड इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि इंस्टॉलमेंट थर्ड भी कितनी देनी है, 30,000। तो क्या करते हैं, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है तो डिफरेंस लगा लेते हैं, जब इंस्टॉलमेंट पहले से ही बताई हुई हो तो। ठीक है, तो क्या करो, डिफरेंस लगा लो 22,500, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस लगा लिया हमने, एड ऑन करा, तो कितना बन गया थर्ड। अगर हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी होती थर्ड डे की, तो बैलेंस क्या बचता? नील, राइट। बट ये वाली इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो क्या होगा, कंपनी आपसे गुड्स रिपोज कर लेगी। ठीक है, अब रिपोजिशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो गुड्स क्या करें कंपनी ने, रिपोज करे हैं, रिपोज कर रखे हैं, रिपोज कर रखे हैं, गुड्स रिपोज की वैल्यू कितनी है? कितने टीवी? 3 टीवी रिपोज करें, एक टीवी कितने का है? 20,000 रुपये का है, तो 3 टीवी की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है? कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना था चेक करो, पहली लाइन देखो फटाफट। आ टेलीविजन डीलर 5 टेलीविजन सेट्स फ्रॉम डॉल्फिया कंपनी ऑन हायर परचेज बेसिस, द कैश प्राइस कितना था? 20,000 था ईच सेट्स का। ठीक है, 25,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए थे, बाकी इंस्टॉलमेंट देनी थी 30,000 की। ठीक है, फिर लिखा था इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम, बायर डेप्रिशिएट करेगा 20% पर एनम पे, बायर। बट जो सेलर है जिसने रिपोज करा, रिपोज करते टाइम वैल्यूएशन कितनी करी? 30% पे। कितने पे करी उन्होंने? 30% पे। तो गुड्स रिपोज हुआ जब वैल्यू, कितने साल बाद रिपोज होगा? 3 साल बाद। कितने परसेंट पे? 30% डेप्रिसिएशन। 3 साल तक का डेप्रिसिएशन लगा दो 60,000 में, 30% WDV से कितने साल तक? 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक। ठीक है, 60,000 पे पहले 30% फर्स्ट ईयर, 30% सेकेंड ईयर, 30% थर्ड ईयर, इतना लेस करके आ गया 20,580। गुड्स रिपोजिशन वैल्यू कितनी? 20,580 रुपए की। ठीक है, अच्छा इसकी एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ 3 टीवी इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक ऑफ एक्स, एक्स की बुक में कितनी वैल्यू होगी? 60,000 माइनस 20%, कितने ईयर का? 3 ईयर का। ठीक है, 60,000 में 20% माइनस करेगा वो, चलो करके देख लो। 60,000 माइनस 20% फॉर फर्स्ट, 20% सेकेंड, 20% थर्ड, 30,720 रुपये आ रहे हैं। अब बताओ 30,720, जो आपने एक टीवी खरीदी कितने की? 60,000 रुपये की, 3 टीवी खरीदी, 3 साल तक इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 20%, 3 साल बाद वैल्यू कितनी आएगी? 30,720। बट जब सेलर कहता है अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम टीवी वापस ले लेंगे, और वैल्यूएशन कैसे करी उन्होंने? 30% डेप्रिसिएशन लगा के 20,580। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 30,720 माइनस 20,580, 10,140 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? लॉस हो गया, लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट आपको बनाने होते हैं। चलो अब बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। बुक्स ऑफ एक्स बना रहे, कब खरीदी टीवी आपने ये बताओ। टीवी हमने खरीदी है 1 जैन 2016 को, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को। एंट्री करते हैं, टू किससे खरीदी? डॉल्फिया से। तो नाम पता है तो नाम लिख दो, नाम नहीं पड़ता तो क्या लिखोगे? हायर वेंडर। ठीक है, डॉल्फिया से कितने की टीवी खरीदे? 20,000 का एक टीवी है, तो 5 टीवी कितने के हो गए? 1 लाख के। ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर को 16 में। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन 20%, 20,000। बैलेंस सीडी कितना बचेगा बताओ? 1 लाख में से 20 माइनस कर दो, 80,000। ठीक है, टोटल कर लो इसका, पहले साल का टोटल हो जाएगा 1 लाख, इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। नेक्स्ट ईयर 1 जैन 2017 टू बैलेंस वीडी कितना आएगा? 80,000 रुपये, क्योंकि WDV से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब लगेगा 31 दिसंबर 2017 को, कितना लगेगा? 20% इसका लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन 20%, 16,000। बैलेंस वीडी कितना बचा?
80,000 में से 16,000 लेस कर दो, 64। अब आ गया थर्ड ईयर आपका, थर्ड ईयर 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बीडी कितना होगा 64,000। इसका 20% कर दो, 64,000 का क्या कर दो 20% कर दो 31 दिसंबर 2018 को। हमने यूज तो पूरे साल करा थर्ड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन। 64,000 का 20% आ रहा है 12,800, ठीक है। कितने टीवी हैं इसमें, 5 टीवी हैं, तो 64,000 में से 12,800 लेस करो, 64,000 माइनस 12,800 ये आया 51,200 रुपए, ये आ गया 51,200 रुपए। कितने टीवी हैं ये, 5 टीवी। अगर ये 5 टीवी की वैल्यू है तो 2 टीवी की वैल्यू कितनी होगी, 2 टीवी की वैल्यू डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, डिवाइड बाय 51,200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टीवी की वैल्यू, तो बैलेंस सीडी आ गया 20,480। 2 टीवी की वैल्यू आ गई 20,480। 3 टीवी की हमने पहले ही निकाल रखी है 30,720, बट ये 30,720 के जो टीवी है ये कौन ले जाएगा, हायर वेंडर आपसे वापस ले जाएगा। कितने रुपए में, 20,580 रुपए में ये वापस ले जाएगा। कौन ले जाएगा, डॉल्फिया कंपनी। टीवी बचे कितने, 2 टीवी, 3 टीवी कहां गए, डॉल्फिया ले गया, डॉल्फिया ले गया 3 टीवी। कितने में ले गया, 20,580 रुपए में। आपका लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रिपोजिशन या पीएनएल, ये क्या हो गया लॉस, कितने का हुआ 10,140 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है ना, 10,140 का आपका लॉस हो गया। टोटल कर देते हैं इसका, इसका टोटल आ जाएगा 64,000, ठीक है। इसका भी टोटल कितना है आपका 64,000। आया समझ में, क्या करा हमने, सिंपल सा लेस किया, 5 टीवी की वैल्यू आ रही थी 5 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टीवी की वैल्यू आ गई, ठीक है। 3 टीवी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी थी, वरना डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करोगे जब भी यही आएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय 5 एंड इंटू 3 इक्वल टू 30,720, ठीक है। बट 30,000 में नहीं ले गया वो, 30% डेप्रिसिएशन लगा के 20,580 रुपए में टीवी वापस हुआ है, तो डिफरेंस इज लॉस, वैल्यूएशन लॉस है, ठीक है। अब बनाते हैं डॉल्फिया का अकाउंट। अगर हमने कहीं से कोई एसेट्स परचेज करी है तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमें किसी और के पैसे देने हैं, हमें किसी और के पैसे देने हैं। देखो कैसे बनाओगे अकाउंट, 1 जनवरी 2016 को हमने क्या करा, बाई टीवी खरीदा, टीवी खरीदते ही हमारे ऊपर कर्जा कितना हुआ 1,00,000 रुपीज का, 1,00,000 रुपए में से हमने तुरंत कितने रुपए दे दिए थे 1/1/16 को टू कैश, डाउन पेमेंट तो मैंने फर्स्ट इमीडिएट कर दी थी 25,000 रुपए की, कितना रह गया 75,000। 75,000 पे कंपनी हम इंटरेस्ट लगाएगी, कब लगाएगी 31 दिसंबर 2016 को बाय इंटरेस्ट, कितना लगेगा इंटरेस्ट 7,500। फिर हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होगी टू कैश इंस्टॉलमेंट नंबर 1, कितने की 30,000 रुपए की, ठीक है। टोटल करो इसका आप 1,07,500 रुपए, 1,07,500 रुपए बैलेंस सीडी निकाल दो टू बैलेंस सीडी सेम डेट, ये अच्छा ये होगा 31 दिसंबर 2016 को, 30,000 लेस कर दिया कितना आएगा फिर 52,500 आएगा, कितना आएगा 52,500। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस बीडी 52,500। अब इस पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगाओ, 10% इंटरेस्ट लगेगा, कब लगेगा 31 दिसंबर 2017 को बाय इंटरेस्ट, कितना लगेगा 5,250। टोटल कर दो इसका 57,750, ठीक है। अब हमने इंस्टॉलमेंट जो दी होगी दूसरी वाली वो दी होगी 31 दिसंबर 2017 को टू कैश, कितनी दी होगी इसमें से 30,000 रुपए लेस कर दो, कितना रह गया 27,750 टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अगला 1/1/2018 को बाय बैलेंस बीडी कितना 27,750। लास्ट वाले में इंटरेस्ट कितना लगाया था हमने, लास्ट वाला इंटरेस्ट लगाया था 2,250,
31 दिसंबर 2018 को जब आप इंटरेस्ट लगाओगे तो इतना लगाना कि इसका टोटल कितना हो जाए, 30,000 हो जाए। टोटल कितना हो जाए, 30,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 30,000। क्या हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी? लास्ट इंस्टॉलमेंट तो हमने पे नहीं करी। अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो कंपनी क्या करेगी, आपके टीवी वापस ले लेगी। क्या ले लेगी वापस? टू टेलीविजन। कब ले लेगी? 31 दिसंबर 2018 को टीवी ले लिए वापस। कितने के लिए? 20,580 रुपए के। ठीक है, 20,580 रुपए के वापस ले लिए टीवी, तो बैलेंस शीडी कितना रह जाएगा? 9,420 रुपए। ठीक है, ये अकाउंट आपका हो गया क्लोज, 9,420 रुपए। ये बनाएगा बायर। बायर क्या बनाएगा? बायर ने टीवी खरीदी तो एसेट्स अकाउंट बनाएगा, साथ में उसके ऊपर लाइबिलिटी थी तो क्या बना दिया, डॉल्फिया कंपनी का अकाउंट जहां से हमने एसेट्स खरीदा था। अब मान लो अगर हम सेलर हैं, हमने टीवी बेचा है, खरीदा नहीं, हमने क्या करा, टीवी बेचा है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अपने कस्टमर का अकाउंट। कस्टमर क्या होता है? हमारा डेटर, डेटर से पैसे लेने हैं। तो 1 जनवरी 2016 को हमने सेल्स करी, हायर सेल्स। हायर सेल्स की कितने की सेल्स की? 1 लाख की। कुछ पैसे क्या तुरंत मिल गए? यस, 1/1/16 को कुछ पैसे इमीडिएट मिल गए, बाई कैश, डाउन पेमेंट वाले। कितने रुपए मिल गए? 25,000। कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, पहली बार इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट कितना? 7,500। ठीक है, इंटरेस्ट लगा दिया। तो 31 दिसंबर 2016 को हमें फिर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई। पहली वाली इंस्टॉलमेंट कितने की मिल गई? 30,000 की। 30,000 की इंस्टॉलमेंट मिल गई। बैलेंस शीडी कितना रह गया? बाई बैलेंस शीडी लेस कर दो, टोटल करो इसका, 1,07,500। 1,07,500 इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस करके आ गया 52,500। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 52,500। इंटरेस्ट लगाएंगे सेकेंड टाइम, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 31 दिसंबर 2017 को टू इंटरेस्ट इस बार लगेगा 5,250। और 31 दिसंबर 2017 को जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की? सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट 30,000 की। 30,000 रुपये लेने के बाद, हमने 30,000 ले लिए, बैलेंस शीडी कितना रह जाएगा? टोटल कर लेते हैं, 57,750 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये? 27,750 आ जाएगा। अगले साल 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस बीडी 27,750, राइट? 31 दिसंबर 2018 को इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट कितना लगेगा इस बार? 2,250। लास्ट इंटरेस्ट कितना लगा था? 2,250। इसका टोटल हो गया 30,000 रुपए। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि 30,000 देनी थी इसलिए डिफरेंस लगा लिया, अदरवाइज क्या लगा लेते हम? 10% लगा लेते। अब क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी? नहीं पे करी। तो 31 दिसंबर 2018 को क्या करा कंपनी ने? टीवी वापस ले लिया। तो जो कंपनी टीवी बेचती है उसको टीवी नहीं लिखती, वो क्या लिखती है? गुड्स। गुड्स क्या कर लिए हमने? रिपोज कर लिए। गुड्स रिपोज कर लिए। कितने में रिपोज करे थे गुड्स? 20,580 में। 3 टीवी पे 3 साल का 30% से डेप्रिसिएशन लगा दो तो कितना आ गया था? 20,580। 30,000 लेने हैं, 20,580 के टीवी ले लिए, कितने रुपए रह गए? 9,420 रुपए। अब हमने जो टीवी वापस उस पार्टी से छीन लिए, अपने डेटर से वापस छीन लिए हमने, कितने के टीवी? 20,580 के। तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, गुड्स रिपोज अकाउंट। गुड्स रिपोज अकाउंट किससे गुड्स रिपोज करा हमने? मिस्टर एक्स से। कितने का रिपोज करा? 20,580। हम क्या करेंगे इस गुड्स का? रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, थोड़ा सा बेच देंगे दोबारा मार्केट में। तो ये इस गुड्स के बारे में लिखा था कि कंपनी ने रिपेयर कराया 5,000 रुपए का, तो टू कैश और खर्च हुआ रिपेयर में, कितने रुपए और खर्च हुए? 5,000। तो ये टीवी हो गया 25,580 रुपए का। अब रिपेयर करा के इसको मैं मार्केट में दोबारा बेच देता हूँ, बाई कैश क्या कर दिया मैंने? रीसोल्ड कर दिया मार्केट में। कितने में? 30,000। चेक करो, 30,000 लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, कितना लिखा था? 30,000 रुपए लिखा था। ठीक है, टोटल कर दो इसका, 30,000 रुपए में इस टीवी को हमने क्या करा मार्केट में? दोबारा बेच दिया। 30,000 में से लेस करो, कितना आ जाएगा? 4,420 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन
रीसेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका डन, ये कंप्लीट क्वेश्चन एक हायर परचेज का, ठीक है। अभी अगली वीडियो में और क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, ये नोट कर लेना, ठीक है।